चैप्टर 145 की शुरुआत होती है जहाँ हमें पता चलता है कि काइगाकू डीमन कैसे बना था। एक दिन काइगाकू को अपर मून वन कोकोशिबो मिल जाता है। काइगाकू कोकोशिबो से लड़ने की कोशिश करता है पर कोकोशिबो काइगाकू को आसानी से हरा देता है। काइगाकू खड़े होने की हालत में नहीं था फिर भी वो हार नहीं मानता और कोकोशिबो से कहता है वो तब तक नहीं हारेगा जब तक वो मर नहीं जाता। काइगाकू का बचपन बड़ी ही दुविधा से गुजरा था। उसका कोई घर नहीं था, पानी वो सड़क के गड्ढों में से पीता था और खाना लोगों के घर से चोरी करता था। काइगाकू कोकोशिबो से कहता है जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं जीत सकता हूँ, मैं सब लोगों को दिखा दूंगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। कोकोशिबो काइगाकू की ऐसी हिम्मत देखकर उसे डीमन बनने का ऑफर देता है। कोकोशिबो काइगाकू को अपना ब्लड देता है और उससे कहता है कि अगर तुम इस ब्लड को पी लोगे तो तुम भी एक डीमन और हमारे साथी बन जाओगे। कोकोशिबो काइगाकू को ये भी वार्निंग देता है कि अगर उसने एक भी बूंद खून की नीचे गिराई तो उसका सिर फट जाएगा। काइगाकू डरते हुए उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ प्रेजेंट में काइगाकू सोचता है भले ही ज़ेनित्सु ताकतवर हो गया है पर वो कभी किसी अपर मून को नहीं हरा सकता। फिर ज़ेनित्सु पर थंडर ब्रीथिंग की सेकंड फॉर्म लाइट नाइन बॉल का यूज करता है। वो इस अटैक को एक ही मूवमेंट में 5 बार करता है जिससे ज़ेनित्सु समझ जाता है कि काइगाकू ने बहुत सारे लोगों को खाया है। काइगाकू फिर थंडर ब्रीथिंग की थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म और सिक्स्थ फॉर्म को यूज करता है। वो एक फॉर्म के बाद दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल करता जा रहा था। ज़ेनित्सु अटैक तो छोड़ो, काइगाकू के इन अटैक से बच भी नहीं पा रहा था। काइगाकू का हर अटैक इतना घातक होता है कि ज़ेनित्सु की स्किन और मास्क जलने लगता है। ज़ेनित्सु बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है जहाँ उसे अपना पास्ट याद आता है। ग्रैम्स उसे हमेशा डांटते और कहते थे तुम्हें काइगाकू से कुछ सीखना चाहिए। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि ग्रैम्स के बाकी स्टूडेंट्स भी काइगाकू को बुरा समझते थे। काइगाकू इनके साथ भी बुरा बर्ताव करता था और ज़ेनित्सु के साथ तो कुछ ज्यादा ही करता था। ज़ेनित्सु भी काइगाकू से नफरत करता पर वो उसकी इज्जत भी करता था क्योंकि काइगाकू काफी मेहनत करता और ग्रैम्स को भी उस पर वैसा ही भरोसा था जैसा उन्हें ज़ेनित्सु पर था। पर काइगाकू कभी खुश नहीं रहता। ज़ेनित्सु सोचता है काइगाकू का खुशी का बॉक्स हमेशा लीक होता रहता, उसे उस बॉक्स को अच्छे से बंद कर लेना चाहिए था। फिर ज़ेनित्सु एकदम दीवार पर खड़ा हो जाता है और फिर थंडर ब्रीथिंग की सेवंथ फॉर्म फ्लेमिंग थंडर गॉड से काइगाकू के सिर को काट देता है। वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। काइगाकू को समझ में ही नहीं आता कि ये हुआ क्या क्योंकि थंडर ब्रीथिंग में सिर्फ 6 फॉर्म थी पर ज़ेनित्सु ने तो अभी 7th फॉर्म का यूज करा। काइगाकू को लगता है कि ग्रैम्स ने सिर्फ ज़ेनित्सु को ये फॉर्म सिखाई होगी और किसी को नहीं, जिस पर ज़ेनित्सु उसे बताता है कि ये फॉर्म उसे किसी ने नहीं सिखाई बल्कि ये फॉर्म उसने खुद डेवलप की है और वो भी सिर्फ काइगाकू से लड़ने के लिए। अब चैप्टर 146 की शुरुआत होती है जहाँ काइगाकू मरते हुए सोचता है कि ज़ेनित्सु मुझसे छोटा है फिर भी वो थंडर ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकता है जिसका इस्तेमाल कोई भी नहीं कर पाता और अब उसने 7th फॉर्म का भी निर्माण कर दिया है। काइगाकू को ये सब सोचकर गुस्सा आने लगता है पर वो ये सोचकर थोड़ा संतुष्ट होने लगता है कि ज़ेनित्सु के अंदर कुछ स्टेमिना नहीं बचा, वो नीचे गिरकर मर जाएगा। तभी यहाँ युशिरो आ जाता है जो ज़ेनित्सु को बचा लेता है और काइगाकू राख बनकर उड़ जाता है। ज़ेनित्सु को एक सुंदर गार्डन में नदी के दूसरी ओर ग्रैम्स दिखते हैं। ज़ेनित्सु ग्रैम्स से माफी मांगता है कि अगर वो काइगाकू के साथ होता तो शायद वो डीमन नहीं बनता। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि ग्रैम्स ने ज़ेनित्सु को बहुत से लेटर भेजे थे पर ज़ेनित्सु उनका आंसर नहीं देता था क्योंकि वो ग्रैम्स से हशीरा बनने के बाद ही मिलना चाहता था। ज़ेनित्सु ग्रैम्स की ओर जाने की कोशिश करता है पर वहाँ जो पौधे होते हैं वो ज़ेनित्सु की टांग को पकड़ लेते हैं जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाता। ग्रैम्स रोते हुए ज़ेनित्सु से कहते हैं तुम ही मेरे गौरव और आनंद हो, जिसे सुनकर ज़ेनित्सु रोने लगता है। इधर युशिरो ज़ेनित्सु को ठीक कर रहा था। उसके साथ मुराता और उसके कुछ डीमन स्लेयर कॉप्स होते हैं। मुराता ज़ेनित्सु को देखकर पहचान लेता है और युशिरो से उसे बचाने के लिए कहता है। युशिरो मुराता को चुप रहकर आसपास नजर रखने के लिए कहता है कि कहीं कोई डीमन हमला ना कर दे इन पर। ये सुनकर मुराता को गुस्सा आ जाता है क्योंकि मुराता युशिरो को एक छोटा रैंक वाला डीमन स्लेयर कॉप समझ रहा था। युशिरो उससे कहता है कि मैं एक डीमन हूँ तो मुझे रैंक्स के बारे में नहीं पता। फिर ज़ेनित्सु पर एंटी ब्लड डीमन का यूज करता है ताकि ज़ेनित्सु के चेहरे के क्रैक फिल हो सके। मुराता युशिरो की डीमन वाली बात पर ध्यान नहीं देता और युशिरो से ऐसी नेगेटिव बातें बंद करने को कहता है। ज़ेनित्सु पर युशिरो की एंटी ब्लड डीमन टेक्निक ज्यादा असर नहीं दिखा रही थी। ज़ेनित्सु का ब्लड अभी भी निकल रहा था। युशिरो कहता है ज़ेनित्सु ने अभी जिस अपर मून से लड़ाई की थी वो खुद के अटैक्स को सही से नहीं करना जानता था। अगर ज़ेनित्सु उससे 1 साल बाद लड़ता तो वो अपर मून इसे आसानी से मार देता। ये सुनकर मुराता चिल्लाकर युशिरो को शांत रहने के लिए कहता है। मुराता के चिल्लाने की वजह से उनकी ओर बहुत सारे डीमन्स आने लगते हैं। फिर हमें युशिरो के बारे में बताया जाता है कि वो एक ऐसा डीमन है जिसे मुजान ने नहीं बनाया बल्कि युशिरो को तमायो ने अपने ब्लड से बनाया है। युशिरो को यहाँ पर
तमायो लेकर आई थी। युशिरो यहाँ आना तो नहीं चाहता था, पर तमायो उसे ये कहकर ले आई थी कि वो बैकअप के काम आ सकता है। अब युशिरो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखता है, तो उसे डीमन स्लेयर कॉर्प्स में घुसने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और अब वो यहाँ इन्फिनिटी कासल में मुराता और उसके साथियों के साथ इनकी मदद कर रहा था। मुराता को युशिरो अजीब तो लगता है, पर सिचुएशन काफी गंभीर होती है, इसलिए वो युशिरो पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। मुराता और उसके साथियों को यहाँ के डीमंस की गर्दन को काटने में मुश्किल हो रही थी। युशिरो अपनी आई से पता कर लेता है कि तांजीरो और गियू के पास कोई अपरमून डीमन आ रहा है। इधर तांजीरो और गियू फुल स्पीड में मुजान की ओर बढ़ रहे थे। तांजीरो सोचता है कि उन्हें अभी तक कोई अपरमून नहीं मिला, तो क्या वो मुजान से अभी काफी दूर है? ये महसूस करते हैं कि इनके आसपास की जगह कपने लगी है। तभी ऊपर की दीवार को तोड़कर नीचे अपरमून 3 अकाजा आ जाता है। अकाजा और तांजीरो दोनों एक दूसरे को भूले नहीं थे। यहाँ मुजान खुद को एक फ्लैश ककून में कैद कर लेता है, जिससे वो तमायो की मेडिसिन को डिसॉल्व कर सके। तमायो भी इस ककून में फंसी थी और मुजान उसे भी एब्जॉर्ब कर लेता है। अब चैप्टर 147 की शुरुआत होती है, जहाँ मास्टर के बच्चे पूरे इन्फिनिटी कासल का मैप बना रहे थे। कनाता और क्वीना अपनी फैमिली को याद कर रोने लगते हैं, पर तभी कीरिया उन्हें हौसला देता है और कहता है, रो मत, हम जरूर जीतेंगे। यहाँ बार इनकी रक्षा तेंजिन और रेंगोकू के पिता कर रहे थे। तेंजिन कीरिया और उसकी दोनों बहनों की तारीफ करता है कि वो कितने छोटे हैं और इतना बड़ा काम कर रहे हैं। यहाँ नेजुको के पास साकुंजी होता है। साकुंजी ने नेजुको को तमायो के द्वारा बनाई गई दवाई दे दी थी, जिससे नेजुको ह्यूमन में बदल सकती है। उस दवाई को लेने के बाद नेजुको की तबीयत बहुत खराब होने लगती है। साकुंजी सोचता है, अगर नेजुको ह्यूमन में बदल गई तो मुजान का सूरज में चलने का सपना टूट जाएगा। साकुंजी यहाँ बहुत ज्यादा घबरा रहे थे। वो नेजुको और तांजीरो दोनों को हार ना मानने के लिए कहते हैं। इधर इन्फिनिटी कासल के अंदर तांजीरो और गियू अकाजा से लड़ रहे थे। अकाजा तांजीरो पर हमला करता है, पर तांजीरो हिनोकामी कागुरा का फायर व्हील अटैक यूज करता है और बड़े ही तेजी से अकाजा के एक हाथ को काट देता है। तांजीरो ऐसा करके थोड़ा संतुष्ट हो पाता कि तभी अकाजा अपने उसी हाथ को रिजेनरेट करके तांजीरो पर हमला करता है। फिर तांजीरो हिनोकामी कागुरा का मॉक सन रेनबो अटैक करता है। तांजीरो अकाजा के अटैक से बचते हुए उसके सिर को थोड़ा काट देता है। ये देखकर अकाजा और गियू दोनों चौंक जाते हैं। गियू समझ जाता है कि तांजीरो अब एक हशीरा जितना ताकतवर हो गया है। गियू उस वक्त को याद करता है जब वो तांजीरो से पहली बार मिला था। गियू सोचता है कि तांजीरो बहुत आगे आ चुका है, अब वो लड़ सकता है और ना अब वो हारेगा। अकाजा भी तांजीरो की तारीफ करता है और कहता है, अब मैं रेंगोकू की कही बात को स्वीकार करता हूँ कि तुम कमजोर नहीं हो। फिर अकाजा टेक्निक डेवलपमेंट यूज करके लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब चैप्टर 148 की शुरुआत होती है, जहाँ गियू अकाजा पर वाटर ब्रीथिंग की थर्ड फॉर्म फ्लोइंग डांस करता है। अकाजा ये देखकर कि गियू एक वाटर हशीरा है खुश हो जाता है, क्योंकि पिछले 50 साल से उसने किसी वाटर हशीरा से लड़ाई नहीं की थी। अकाजा गियू पर डिस्ट्रक्टिव डेथ टेक्निक का यूज करता है। इसे रोकने के लिए गियू वाटर ब्रीथिंग की 11th फॉर्म डेट काल्म का यूज करता है। अकाजा ये फॉर्म देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि पहले उसने जिस वाटर हशीरा को मारा था वो इस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पाता था। तभी तांजीरो पीछे से अकाजा पर हिनोकामी कागुरा का रेजिंग सन अटैक यूज करता है, पर अकाजा बड़े ही तेजी से वहां से गायब होकर तांजीरो के पीछे आ जाता है। अकाजा तांजीरो के सिर को उड़ाने ही वाला था, तभी गी वाटर ब्रीथिंग की सेकंड फॉर्म वाटर व्हील से अकाजा का हाथ काट देता है, पर अकाजा उसे फिर रिजेनरेट कर लेता है। गी अकाजा से लड़ता है, तब तक तांजीरो अकाजा पर हिनोकामी कागुरा का फ्लेम डांस अटैक करता है। वो ये अटैक करने ही वाला था, तभी अकाजा डिस्ट्रक्टिव डेथ के लेग टाइप क्राउन स्प्लिटर से तांजीरो को घायल कर देता है। अकाजा तांजीरो पर फिर हमला करता है, पर उससे पहले गियू आकर अकाजा को रोक लेता है और उससे लड़ने लगता है। अकाजा गियू की तलवारबाजी को देखकर उससे खुश हो जाता है और गियू से उसका नाम पूछता है, पर गियू अकाजा को अपना नाम नहीं बताता और अकाजा से कहता है कि उसे बोलना पसंद नहीं, जिस पर अकाजा कहता है, पर मुझे तो बात करना पसंद है। फिर गियू पर डिस्ट्रक्टिव डेथ के लेग टाइप का एक्सप्लोसिव फ्ल्यूरी अटैक यूज करता है, जिससे गियू बहुत दूर जाकर गिरता है। तांजीरो गियू का नाम लेता है, जिस पर अकाजा तांजीरो के पास आकर पूछता है, तो क्या उसका नाम गियू है? फिर दोनों अपनी टेक्निक से एक दूसरे पर जोरदार हमला करते हैं, पर अकाजा का अटैक तांजीरो के अटैक से बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। तांजीरो इस हमले से दूर जाकर गिरता है। अकाजा तांजीरो के मूव्स की तारीफ करता है और कहता है कि तुमने काफी ट्रेनिंग की है इस लेवल तक पहुंचने के लिए। फिर रेंगोकू की बेइज्जती करने लगता है कि अच्छा है मैंने रेंगोकू को उस रात मार डाला था, वो कभी भी और ज्यादा स्ट्रांग नहीं बन पाता। ये सुनकर तांजीरो को गुस्सा आने लगता है। वो अकाजा को चुप रहने के लिए कहता है। अकाजा कहता है, मैं तो तुम्हारी और रेंगोकू की प्रशंसा कर रहा हूँ। जिस पर तांजीरो कहता है, तुम सिर्फ लोगों की बेइज्जती करते हो। अकाजा कहता है,
है कि उसे सिर्फ कमजोर लोगों से दिक्कत है। अकाजा की सोच ये थी कि जो भी कमजोर है उसे मर जाना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। तांजिरो अकाजा को समझाते हुए बताता है कि ऐसा नहीं है, बच्चे सबसे कमजोर होते हैं, उन्हें जीने के लिए किसी की मदद की जरूरत होती है, ना कि उन्हें मार देना चाहिए। फिर अकाजा से कहता है, तुम भी जब छोटे बच्चे होंगे तब तुम्हारी भी किसी ने रक्षा की होगी, तभी तुम आज जिंदा हो। फिर तांजिरो गुस्से में आकर कहता है, जो ताकतवर होता है उसे कमजोरों की रक्षा करनी चाहिए, फिर वो कमजोर ताकतवर बनकर और कमजोरों को बचाएंगे, यही प्रकृति का नियम है। तांजिरो की ये बातें सुनकर अकाजा को बड़ी अजीब फीलिंग महसूस होती है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। कमेंट्स में बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।